पंजाब कांग्रेस में जारी हलचल के बीच कैप्टन और सिद्धू का अलग अलग नेताओं से मुलाकात का सिलसिला जारी है और करीब 4.5 साल बाद कैप्टन की कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा से उनकी मुलाकात हुई। ये मुलाकात कैप्टन अमरिंदर के फार्म हाउस पर हुई है। करीब 4 घंटे तक चली मुलाकात के दौरान पंजाब विधानसभा के स्पीकर राणा केपी सिंह और पंजाब सरकार में मंत्री गुरमीत सिंह सोढ़ी भी शामिल रहे। कैप्टन और बाजवा की मुलाकात की तस्वीर को कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी ट्वीट के जरिए साझा किया है और लिखा कि बाजवा और अमरिंदर सिंह को एक साथ देखकर खुशी हुई और उम्मीद जताई कि राज्यसभा सांसद और मुख्यमंत्री मिलकर एक मजबूत टीम तैयार करेंगे। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, मजबूत टीम बनाने की बात कही है मनीष तिवारी ने, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है अब क्योंकि चुनौतियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। ये समय था कि फोकस किया जाता विधानसभा चुनाव पर, लेकिन यहां पर अनबन की वजह से हलचल और बढ़ गई है पंजाब कांग्रेस में। देखिए, अब एक बात तो तय है कि सिद्धू को अगर अध्यक्ष बनाया जाता है तो पार्टी के अंदर अंदरूनी लड़ाई तो तेज होगी ही, और अगर स्वीकार भी करते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह तो नवजोत सिंह सिद्धू के लिए काम करना बहुत मुश्किल होगा। और इसके अलावा अगर दूसरी तरफ अगर कैप्टन के मनपसंद का कोई अध्यक्ष अंतिम तौर पे पार्टी आला कमान बनाने को तैयार भी पार्टी आला कमान की तरफ से बनाया जाता है, किसी और को भी, मान लीजिए प्रताप सिंह बाजवा को ही बना दिया जाता है अध्यक्ष, तो फिर सिद्धू पार्टी में रहेंगे इस बात की गुंजाइश बिल्कुल कम है। अगर आम आदमी पार्टी का रास्ता अख्तियार करते हैं तो बिल्कुल कांग्रेस को डेंट करेंगे, आम आदमी पार्टी को फायदा करेंगे। तो आज की तारीख में कांग्रेस के लिए दोनों स्थितियों में माहौल चुनौतीपूर्ण है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं का मनोबल तो ऐसी घटनाओं से गिरता ही है, लेकिन जनता की नजर भी रहती है। अगर जनता के मन में ये आ गया कि कांग्रेस के अंदर जिस तरह से स्थितियां बनी हुई हैं, जिस तरह से लगातार पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं के बीच खींचतान, आरोप प्रत्यारोप और अध्यक्ष पद को लेकर लड़ाई चल रही है, अगर जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया और कांग्रेस पार्टी मान लीजिए हार जाती है, तो उसका पूरा का पूरा ठीकरा न सिर्फ सिद्धू और कैप्टन पे जाएगा बल्कि पार्टी आला कमान को भी स्वीकार करना होगा कि आखिर इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हुई कि पंजाब में कांग्रेस जो कि मजबूत दिख रही थी, आज वहां विपक्ष कमजोर है। आम आदमी पार्टी ने पिछले चुनाव में अपना एक इनरोड यानी अपनी स्थिति तो दर्ज कराई थी मजबूती से, लेकिन आज की तारीख में भी वो सत्ता में आने की स्थिति में है, इस बात की संभावना थोड़ी कम लगती है। तो ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी का दबदबा बढ़ता है कांग्रेस पार्टी की कमजोरी से, तो पार्टी आला कमान से खींचतान अभी भी जारी है और कोशिश की जा रही है कि समाधान निकले। पंजाब कांग्रेस में जारी हलचल पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पंजाब को लेकर जो कमेटी थी, आपकी बहुत बड़ी भूमिका थी, अभी तक घोषणा नहीं हुई है। हरीश रावत ने भी मुलाकात कर ली है कैप्टन साहब से चंडीगढ़ में, तो क्या उम्मीद है, पंजाब का मामला कब तक सुलझ पाएगा? जल्द से जल्द सुलझेगा। हमारे को जो काम सौंपा गया था, कमेटी की रिपोर्ट हमने दी है, उसी आधार पर चर्चा करके उसमें से कौन सा बेहतरीन निष्कर्ष होता है या किस ढंग से उसको सुलझा सकते हैं वो हम कांग्रेस प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़े हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट जी और राहुल गांधी जी उसके ऊपर निर्णय जल्द से जल्द लेंगे और वो समस्या का हल होगा।